हाउ टू मेक फलहारी आलू एंड सिंघाड़े के आटे की पूरी। हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सावन का आखिरी सोमवार है तो मैं बनाऊंगी फलहारी आलू और सिंघाड़े के आटे की पूरी, तो जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करें। सबसे पहले हम बनाएंगे फलहारी आलू। तो उसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने एक बॉयल आलू लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है, दो हरी मिर्च लिए हैं जिसे चॉप किया है, थोड़े से अदरक ग्रेट किए हैं, धनिया का पत्ता लिया है थोड़ा सा, और एक टमाटर जैसे चॉप किया है, जीरा, पीनट का पेस्ट लिया है। पीनट को पहले रोस्ट कर लें फिर उसको ग्राइंड कर लें। थोड़े से पीनट्स लिए हैं फ्राई किए हुए, और मखाना लिया है 1 कप और तेल। तो चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। सबसे पहले गैस ऑन कर लें और गैस ऑन करके एक पैन रख दें और पैन को गर्म होने दें। और जब पैन गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप चाहो तो घी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है पैन में। और जब हमारा तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा। तो मैं आधा चम्मच जीरे का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, थोड़े से ग्रेट किए हुए अदरक, और इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब आपको लगे कि ये हल्का सा फ्राई हो गया है तब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जैसा कि आप देख रहे हैं। और टमाटर को भी हम कुछ सेकंड्स के लिए इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। और जब टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे बॉयल्ड आलू, और लास्ट में हम डालेंगे इसमें धनिया का पत्ता। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। तो थोड़े देर बाद आप देखेंगे कि हल्का सा फ्राई हो गया, तब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो मैं सेंधे नमक का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप व्रत में नहीं बना रहे हैं तो आप नॉर्मल नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे पीनट का पेस्ट, और इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमने इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मखाना और थोड़े से पीनट्स जिसको मैंने पहले से ही फ्राई किया हुआ था। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके हम इन्हें अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर बाद मैं इसमें हल्का सा पानी डाल रही हूँ, जिससे क्या होगा हमारा जो मखाना और आलू है वो थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से कंटिन्यूसली चलाते रहें और कुछ सेकंड्स के लिए आप इसे छोड़ दें। आप देख रहे हैं 2-3 मिनट बाद हमारा जो फलहारी आलू है एकदम से तैयार हो गया है। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बनाते हैं सिंघाड़े के आटे की पूरी। तो इसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। एक बॉयल आलू लिया है मैंने, आधा कप सिंघाड़े का आटा लिया है, थोड़ा सा जीरा, पानी और ऑयल। तो चलते हैं हम बनाने के प्रोसेस में। तो मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है जिसमें मैं सिंघाड़े का आटा डाल रही हूँ। तो मैं आधा कप सिंघाड़े का आटा यूज़ कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सेंधा नमक। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बॉयल्ड आलू, और बॉयल्ड आलू को इस आटे में अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं। हमें इस आटे के डो में पानी का यूज़ बहुत ही कम करना है। तो आप पहले आलू को अच्छे से मैश करें और हल्का हल्का पानी लेके इसका एक डो बनाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल रही हूँ। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें वरना जो डो है वो बहुत ही गीला हो जाएगा और पूरियाँ नहीं बन पाएंगी। तो आप इस तरीके से डो बनाएं, और अगर आपको लगे तभी आप पानी का यूज़ करें। तो थोड़ी देर बाद आप देख रहे हैं कि जो हमारा डो है वो अच्छे से बाइंड हो गया है। तो मैं इसे 2-3 मिनट और अच्छे से इस तरीके से प्रेस करके एक डो बनाऊंगी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आप दोनों हाथों का यूज़ करें और इस तरीके से इस डो को सॉफ्ट कर लें। तो हमारा डो एकदम से तैयार है। तो चलते हैं पूरी बनाने के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है, और हम एक थोड़ा सा बॉल ले लेंगे इस तरीके से आटे का, और इसको इस तरीके से गोल करेंगे और हल्का सा फ्लैट करेंगे। तो मैं इसमें घी लगा रही हूँ,
तो चारों तरफ घी लगा के इसको हथेलियों से आप इस तरीके से बड़ा करें। सिंघाड़े के आटे की जो पूरी होती है उसे बेलना बहुत मुश्किल होता है, तो आप अगर बेलन का यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से नहीं बेल पाएंगे आप उसको। तो मैं हाथों का यूज़ कर रही हूँ, तो आप घी लगा लगा के इस पूरी को बढ़ाएं इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं कैसे पैट करके पूरी को बड़ा कर रही हूँ। तो हमारी जो पूरी है वो तैयार हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी पूरियाँ भी बना देंगे, तो मैं आपको एक और पूरी बना के दिखा रही हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस आटे के बॉल में घी लगा रही हूँ, और उसके बाद हम इसको अच्छे से रोल करेंगे और हाथों के हेल्प से इसको बड़ा करेंगे और इसको पूरी का शेप देंगे। तो आप देख रहे हैं साइड्स में मैं इसके क्रैक्स को भर रही हूँ इस तरीके से, और आप दोनों हाथों का यूज़ करके पूरी बनाएं। तो थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस होता है, तो आप देख पा रहे होंगे मैं किस तरीके से इस पूरी को बड़ा कर रही हूँ और साइड्स में इसके क्रैक्स को मैं फिल कर रही हूँ। तो हमारी ये भी जो पूरी है ये भी तैयार हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैं इसे हल्का सा और थोड़ा सा पैट कर देती हूँ और इसके साइड्स को मैं अच्छे से फिल कर देती हूँ। तो हमारी ये भी पूरी बन गई है। तो इसी तरीके से हम सारी पूरियाँ बनाएंगे। एक पूरी मैं आपको दिखा रही हूँ बेलन से आप कैसे बनाएं। तो एक डो बॉल ले लें और उसमें अच्छे से आटा लगा लें सिंघाड़े का, चारों तरफ बहुत ही अच्छे से आटा लगाएं और क्रैक्स जो हैं उनको अच्छे से भर लें। और आटा लगाने के बाद एकदम हल्के हाथों से आप इसको अच्छे से बेलें, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर आपको लगे कि पूरी में क्रैक आ गया है तो उसको इस तरीके से फिल कर लें, क्योंकि सिंघाड़े के आटे की पूरी को बेलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप इस तरीके से इसको शेप दें और पैट करके पूरी बना लें। तो हमारी ये पूरी भी हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप इसी तरीके से बनाएं। तो हमारी सारी पूरियां तैयार हो गई हैं, तो अब चलते हैं हम इसको तलने के प्रोसेस में। तो मैंने गैस पे एक कढ़ाई रखी है और तेल गरम कर लिया है, और बड़ी सावधानी से आप पूरी को डालें और इसके ऊपर गरम तेल डालें, जिससे क्या होगा कि हमारी पूरी बहुत जल्दी फूल जाएगी। और फ्लेम जो है उसको मैंने हाई रखा हुआ है, तो आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पूरी हमारी फूलने लगी है। तो आप इसी तरीके से दूसरे साइड भी पूरी को पका लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी जो पहली पूरी थी वो एकदम से तैयार हो गई है। तो आप इसको निकाल लें टिश्यू पेपर पे या फिर नैपकिन पे। तो इसी तरीके से मैं और भी पूरियाँ तल लूँगी। तो मैंने इसको डाल दिया है तेल में और हल्का हल्का से इसको प्रेस करेंगे हम। जो फ्लेम है उसको आप तेज़ रखें, वरना जो पूरी है वो फूलेगी नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरी भी फूल गई है हमारी। तो जब एक साइड और पक जाएगा तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। तो हमने सारी पूरियों को फुला लिया है, तो अब चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में। तो आज मैं ये थाली बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैं रख रही हूँ फलहारी आलू जो हमने अभी अभी बनाया था, और उसके अलावा ये है साबूदाना खिचड़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं, साथ ही साथ थोड़े से साबूदाना वड़े। और अब हम रखते हैं इसमें मीठा। तो मैंने ये बनाया है साबूदाना खीर, सिंघाड़े के आटे का हलवा, और इसके साथ ही हम रखेंगे इसमें नारियल के लड्डू। तो मैंने दो नारियल के लड्डू रख दिए हैं, और इसके साथ ही रखा है साबूदाना लड्डू। तो इन सभी रेसिपीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और मेरे चैनल पे आप जा कर के देख सकते हैं इन सभी का वीडियो। और अब मैंने लास्ट में रख दिया है इसमें पूरी गर्मा गर्म। तो हमारी जो व्रत की थाली है वो एकदम से कंप्लीट हो गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सभी रेसिपीज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और सभी का वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप भी व्रत में बनाएं ये थाली। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी